हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, ये क्लास फाइव का मैथ है, एक्सरसाइज 32। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, काफ़ी दिन से रुका हुआ था, मैं इसको सोचता हूँ कि जल्दी कंप्लीट कर दूँ। तो यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई है, ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। यहाँ बाद में जो मल्टीप्लाई यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ फाइंड लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के लिए सारा क्वेश्चन एक सा है, इसीलिए इसको हम लोग जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। आइए मैं आप लोगों को बनाते हुए दिखा देता हूँ। यहाँ पे लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन, ये हो गया क्वेश्चन नंबर वन। 1/4 और 1/8 दिया हुआ है, इसको क्या करना है, इसे ऑफ लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप इस तरह से लिख लीजिए 1/4 इंटू 1/8। अब यहाँ पे ये अगर कटता है तो आप काट सकते हैं, और नहीं कटता है तो फिर मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये इस तरह से कटता है, ऊपर नीचे कटेगा इस तरह से, या फिर ऐसे ऐसे ऊपर नीचे कटेगा। तो यहाँ वन से कुछ कटने वाला नहीं है, तो यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 1 जा 1 हो गया 1, और यहाँ पे 8 4 जा 32 हो गया। तो यहाँ पे नीचे में 32 ले देते हैं, 1/32 हो गया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये कंप्लीट हो गया। इस तरह से 2 नंबर ले लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको भी इस तरह से लिख लेते हैं 1/3 इंटू 5/12। अब ये किससे कटेगा, ये इससे तो कट नहीं रहा है, ऐसे भी नहीं कट रहा है, इधर भी नहीं कट रहा है, यहाँ भी नहीं कट रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 1 जो 5 हो गया, और 12 3 जा 36 हो गया। यहाँ पे 36 लिख देते हैं, 5/36, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया इस तरह से, 3 भी दिया हुआ है तो यहाँ पे इसको कंप्लीट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पे 1/2 इंटू 4/7, तो यहाँ पे कट रहा है 2 2 जा 4, ये कट गया 2 2 जा 4। तो यहाँ पे ऊपर में 2 बच गया, 2 1 जा 2, और यहाँ पे 7, इसका मतलब है 2/7, ये इसका आंसर हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, तो यहाँ सेम चीज़ वही है, यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई, सारा क्वेश्चन एक जैसा है, इसीलिए कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे जल्दी जल्दी बनता चला जाएगा। यहाँ पर लेते हैं 5 नंबर, 4 नंबर है, उसमें एक क्वेश्चन बचा हुआ है, उसमें एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पर 4 नंबर यहाँ ले लेते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी इसी तरह से ले लेते हैं, 2/3 इंटू 4/5, ये कहीं कटने वाला है, इस तरह से नहीं कट रहा है, इससे भी नहीं कट रहा है, ऐसे भी नहीं कट रहा है, और ऐसे भी नहीं कट रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8 हो गया, और यहाँ पे 5 3 जा 15, ये हो गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं, यहाँ पर 5, तो यहाँ पर इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से अगर कटता है तो यहीं काट देते हैं। तो ये ऐसे तो कट नहीं रहा है, इधर भी नहीं कट रहा है, और ऐसे भी नहीं, इधर से भी नहीं, तो क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 7 जा 35 हो गया, और यहाँ पे 6 9 6 जा 54, तो 54 यहाँ हो जाएगा। तो नीचे में बड़ा आ रहा है, इसीलिए मिक्स फ्रैक्शन ये बनने वाला नहीं है, तो इसीलिए मिक्स फ्रैक्शन भी नहीं बनेगा, यही आंसर रह जाएगा। ये हो गया कम्प्लीट क्वेश्चन नंबर 6, ये है क्वेश्चन नंबर 6, और इसको क्या करना होगा, कहीं से कट रहा है, यहाँ पे नहीं कटने वाला है, ये सब सारा प्राइम नंबर है, यहाँ 3 प्राइम नंबर ही है, इसीलिए कोई कटने वाला नहीं है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 55 हो गया, 55, और ये 16 3 जा 16 32 16 48 48 हो गया, 48, ये मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगा। इसको मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन बनेगा, ये 2 बार में बहुत ज़्यादा चला जाएगा, यहाँ तो बहुत कम है इससे, तो एक ही बार में जाएगा। 1 लिखते हैं, और 55 में 48 माइनस जो होगा वो ऊपर में रिमाइंडर जो होता है ऊपर में होता है, तो यहाँ पे 5 15 हो गया, 15 में से 8 चला गया, तो 7 बचेगा, 7, और यहाँ पे तो हाथ से निकल गया था, तो यहाँ पर 4, ये और नहीं होगा, इसमें 48 जो है नीचे 48 रह जाएगा, मतलब 1 एंड 7/48, ये जो है यही आंसर इसका हो जाएगा, इसका ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें ये सारे कट रहे हैं, 7 1 जा 7, ये कट गया, और 5 का टेबल में 15 आता है, 5 3 जा 15, तो ये 3 बार में कट गया। तो यहाँ पे जहाँ कुछ भी नहीं बचा वहाँ 1 बचा, और नीचे में 3 है, तो 1/3, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 1/3, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, ये है क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पर ये कट रहा है, 13 1 जा 13, ये कट गया, और 9 का टेबल में 18 आता है, 9 2 जा 18, यहाँ पे 9 2 जा 18 कट गया, यहाँ पे 2 बार में,
तो यहाँ पे कुछ भी जहाँ नहीं बचता है वहाँ वन रहेगा, तो वन बाई टू, इसका मतलब है कि एट नंबर का आंसर हो गया वन बाई टू। ये हो गया क्वेश्चन नंबर नाइन ले लेते हैं। तो इसमें सारे कट रहे हैं इस तरह से और ये इस तरह से, ये कट गया, थ्री वन जा थ्री और फोर वन जा फोर, कहीं कुछ बचा नहीं, मतलब वन बचता है, इक्वल टू वन। वन बाय वन करेंगे तब भी वन होगा और वन लिखेंगे तब भी वन होगा, इसीलिए वन इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यह है क्वेश्चन नंबर टेन और यहाँ पे कुछ कट रहा है, कौन सा कट रहा है, ये तो कटने वाला नहीं है, ये प्राइम नंबर है दोनों, और यहाँ सिक्स और ये कट रहा है, तो किससे कटेगा, फोर कटेबल से कटेगा, नहीं टू कटेबल से कट रहा है, टू टू थ्री जा सिक्स हो गया, ये हो गया, और टू कितने बार बचाएगा, टू एट जा सिक्सटीन हो गया, ये हो गया, और इससे ज़्यादा अब कटने वाला नहीं है, इसका मतलब है कि इसको मल्टीप्लाई कर देना होगा, एट फाइव जा फोर्टी हो गया, फोर्टी और यहाँ पे हो गया थ्री थ्री जा नाइन, तो इस ये नीचे में छोटा है तो इसका मतलब है कि मिक्स फ्रैक्शन बनेगा, तो मिक्स फ्रैक्शन क्या हो जाएगा इसका, नाइन का टेबल में नाइन फोर जा थर्टी सिक्स होता है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, उससे ज़्यादा जाएगा तो फोर्टी फाइव आ जाएगा, तो नाइन फोर जा थर्टी सिक्स, और कितना बच गया, यहाँ थर्टी सिक्स निकल गया फोर्टी में, तो बच गया फोर, तो फोर ऊपर में हो जाएगा और नीचे में जो नाइन रहता है वो नाइन ही रहेगा, तो इतना हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर इलेवन, ये है क्वेश्चन और ये कट रहा है यहाँ पे, थ्री वन जा थ्री ये कट गया, और फोर टू जा एट टू, यहाँ पे नीचे में वन हो गया, तो नीचे वाला वन का लिखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ता है, तो आप डायरेक्ट इसका टू लिख सकते हैं, ऊपर में वन रहेगा तो आपको लिखना है और नीचे में वन रहेगा तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा टू, तो इसका आंसर टू हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे ट्वेल्व, ये क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व और इसमें एक मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो इसको सीधा कर लेते हैं, नाइन वन जा नाइन, इसको मल्टीप्लाई किया जाता है और यहाँ प्लस किया जाता है, तो नाइन वन जा नाइन नाइन हुआ, और टू प्लस करेंगे उसमें एलेवन बाय नाइन हो जाएगा, एलेवन बाय नाइन, और यहाँ तो सीधा है ही, इसको ऐसे लिख देते हैं थ्री बाय फाइव, तो क्या कटने वाला है, इधर तो कटने वाला नहीं है, ये कटेगा, थ्री का टेबल में नाइन आता है, तो नाइन थ्री जा मतलब थ्री थ्री जा थ्री थ्री जा नाइन हो गया, ये कट गया और कटेगा नहीं, तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा, एलेवन ऊपर में जो है वो ऊपर में रह जाएगा और नीचे में फाइव थ्री जा फिफ्टीन ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे में बड़ा है इसलिए मिक्स फ्रैक्शन बनने वाला नहीं है, इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं थर्टीन, यहाँ दोनों ही मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको दोनों को सीधा करना होगा, नाइन फाइव जा फोर्टी फाइव हो गया, फोर्टी फाइव और फोर फोर्टी नाइन हो गया, फोर्टी फोर्टी नाइन बाय फाइव हो गया, और यहाँ पे सेवन टू जा फोर्टीन और वन फिफ्टीन हो गया, फिफ्टीन और यहाँ नीचे में सेवन, तो कटने वाला क्या है, दोनों ही कटने वाला है, तो यहाँ काट देते हैं, सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन हो गया, यहाँ सेवन बार में कट गया, और फाइव फाइव थ्री जा फिफ्टीन थ्री बार में गया, तो नीचे कुछ भी नहीं बचा, वन रख सकते हैं लेकिन वन रखना ज़रूरी नहीं होता है, तो यहाँ पे सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन हो गया, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर हो जाएगा ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्टीन, क्वेश्चन नंबर फोर्टीन यहाँ पे भी दोनों ही मिक्स फ्रैक्शन है, इसको पहले सीधा करना होगा, सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन हो गया, ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री, यहाँ पे ट्वेंटी थ्री बाय थ्री ले लेते हैं, और यहाँ हो गया फाइव टू जा टेन, टेन और टू ट्वेल्व हो गया, ट्वेल्व बाय फाइव, क्या यहाँ पे कोई सा नंबर कटने वाला है, ये तो प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, यहाँ पे ये थ्री से ये कट रहा है, थ्री थ्री फोर जा ट्वेल्व हो गया, इसको कट देते हैं, और कोई कटने वाला नहीं है, ट्वेंटी थ्री इंटू फोर मतलब कोई इस तरह का नंबर आ रहा है, फोर थ्री जा ट्वेल्व हो गया, ट्वेल्व वन बच गया, और फोर टू जा एट, एट और वन नाइन हो गया, तो नाइन्टी टू बाय फाइव ये हो गया। अब इसको करना होगा मिक्स फ्रैक्शन बनाना होगा, तो इसको साइड में यहाँ पे डिवाइड दे देते हैं, फाइव से नाइन्टी टू, नाइन्टी टू तो कितने बार में गया, सबसे पहले वन बार में जाएगा, फाइव वन जा फाइव हो गया और बच गया फोर, तो ये नीचे में आ जाएगा टू, तो फाइव एट या फोर्टी हो गया, यहाँ पे फोर्टी तो बच गया कितना, टू बच गया, तो इसका मतलब है ये हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन में एटीन आ जाएगा, एटीन एंड टू बाई फाइव, टू बाई फाइव ये इसका आंसर हो जाएगा, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्टीन है, तो यहाँ पे ले लेते हैं इसको फिफ्टीन, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको करेंगे पहले सीधा क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको सीधा करने के लिए ट्वेल्व टू जा ट्वेंटी फोर हो गया, ट्वेंटी फोर और वन ट्वेंटी फाइव हो गया, इसको यहाँ पे कर लेते हैं, ट्वेंटी फाइव बाय टू इंटू थ्री वन जा थ्री, थ्री और वन फोर हो गया, फोर बाय थ्री, तो यहाँ पे कौन कट रहा है, कोई कट रहा है नहीं कट रहा है, ये कटेगा,
टू टू जब फोर हो गया, उसके बाद कोई कटने वाला नहीं है, तो 50 हो गया, 25 टू जब 50 बाय 3, ये भी बनेगा मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन के लिए इसको यहाँ पे कर लेते हैं, 3 और 50 को डिवाइड करते हैं, 3 वन जा 3 हो गया, 3 यहाँ पे 2 बच गया, ये नीचे में आ गया, और 3 सिक्स जा 18, 18 यहाँ पे तो बचा कितना 2, बस ये इतना ही रहेगा, तो 16 यहाँ हो जाएगा, 16 एंड 2 बाय 3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, इसमें से कोई सही है और कोई गलत है। तो यहाँ कैसे पता चलेगा, यहाँ पे बीच में इक्वल टू दिया हुआ है, तो इसका इधर जो वैल्यू होगा और इधर भी सेम वैल्यू, मतलब दोनों का वैल्यू इक्वल होगा तो वो ट्रू होगा, और अगर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होता है इसका मतलब है कि वो ट्रू नहीं होगा, फॉल्स होगा। तो इसको भी उसी तरह से बना के देखना होगा। तो यहाँ पेपर पे बनाते हैं हम लोग, ये है क्वेश्चन नंबर 16, और यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर कुछ कटने वाला है तो इसको काटते हैं, यहाँ पे ये तो कटेगा नहीं और यहाँ पे ये भी नहीं कटेगा, तो मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, 75 जा 35 हो गया, 35 और 86 जा 48 हो गया, इसका वैल्यू इतना हो गया, और इसको यहाँ पे भी सेम टू सेम वही सब नंबर है, और ये भी कोई कटने वाला नहीं है, मतलब ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 35 हो गया और यहाँ पे 6 8 जा 48 हो जाएगा, दोनों का वैल्यू सेम हो रहा है, इसका मतलब है कि ये ट्रू है, इसको लिखते हैं ट्रू, ये ट्रू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 लेते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 17, और यहाँ पे एक साइड वैल्यू दिया हुआ है इसका 1, तो इसको अगर सॉल्व करके 1 आ जाता है तो इसका मतलब है कि ये ट्रू हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे इसको सबसे पहले सीधा करते हैं, 19 टू जा 38 होता है, 19 दुना 38 और 1 प्लस हो जाएगा उसमें, तो 38 और 39 हो जाएगा, 39 बाई 2 हो गया, और यहाँ पे इंटू 2 बाई 39 दिया हुआ है, 39 और इक्वल टू इधर 1 दिया हुआ है, तो ये क्या होगा, ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, कट गया तो 1 बचेगा, मतलब इधर भी 1 हो गया और इक्वल टू इधर भी 1 हो गया, तो इसका मतलब है कि ये ट्रू है, ये ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 18, और यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन भी दिया हुआ है, तो इसको सीधा करते हैं पहले, 3 जा 9 हो गया, 9 और 2 11 हो गया, 11 बाई 3 हो जाएगा यहाँ पे, 11 बाई 3 इंटू 2 बाई 5, तो यहाँ तो कुछ कटने वाला नहीं लग रहा है, और इधर क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं कि कोई कट रहा है, यहाँ पे 3 वन जा 3 एक कट जा रहा है, तो यहाँ पे और कुछ बचा, और कुछ नहीं कटने वाला है, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, 2 जा 4 हो गया, 4 बाय 5, और यहाँ ये तो कट नहीं रहा है, तो कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 टू जा 22 हो गया, और यहाँ पे 5 3 जा 15 इक्वल टू 4 बाय 5, ये दोनों ही इक्वल नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि ये फॉल्स है, फॉल्स, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 19, ये है क्वेश्चन नंबर 19, और यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं पहले, यहाँ 75 जा 35 हो गया, 35 और 1 36 हो गया, 36 बाय 7 और यहाँ पे 3 बाय 4 ये हो गया, और इसमें दिया हुआ है प्लस इक्वल टू, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है तो इसको रख देते हैं यहाँ पे, 5 बाय 1 कर देते हैं इसको, यहाँ प्लस कर देते हैं, और यहाँ पे कुछ कट रहा है, अगर नहीं कटता है तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ नहीं कटने वाला है, तो इसको क्या करते हैं, 3 वन जा 3 हो गया और 74 जा 28 ये हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं ये अगर कट रहा है तो 4 से ये कट रहा है, 4 कितने बार में जाएगा, 94 जा 36 होता है तो 9 बार में ये जा रहा है, कट गया तो यहाँ पे बच गया 93 जा 27, 27 बाय 7, 27 बाय 7 हो गया, और यहाँ पे इसको सॉल्व करना होगा इक्वल टू, यहाँ नीचे में ये आ गया 28, एलसीएम लेंगे इन दोनों का तो 28 आ जाएगा, तो इससे इसको डिवाइड करते हैं, 28 बार में जाएगा, 28 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 28 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, 8 5 जा 40 हो गया, 0 4 बच गया है, 5 2 जा 10, 10 और 4 14 ये हो गया 140, उसके बाद प्लस हो जाएगा, फिर ये 1 बार में जाएगा, तो ये
वन थ्री से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे थ्री वन जा थ्री ही रहेगा। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू हो गया 143/28। तो इसका आ गया 27/7 और इसका आ गया 143/28। तो दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि ये फॉल्स है, फॉल्स। ये हो गया, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। और यहाँ पे इसको अगर कोई कटता है तो काटते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये टू से कट रहा है, टू थ्री जा सिक्स हो गया और टू फोर जा एट हो गया। इसके बाद और कटने वाला नहीं है तो इसको लिख लेते हैं, फोर फाइव जा फाइव, फोर जा ट्वेंटी हो गया। यहाँ पे 20/9 3 जा 27, इसका वैल्यू ये आ गया। और यहाँ पे अगर कोई कटता है तो काटते हैं इसको, यहाँ पे ये कट रहा है। एक्चुअली यहाँ पे सेम नंबर दिया हुआ है इसीलिए ये कट रहा है। तो यहाँ पे टू से कटेगा, टू फोर जा एट हो गया, टू थ्री जा सिक्स हो गया, ये कट गया। तो यहाँ पे फाइव फोर जा ट्वेंटी यहाँ भी हो जाएगा उतना ही, 20/9 3 जा 27 यहाँ पे इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है कि ये ट्रू है, इसमें ट्रू लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 21। ये है क्वेश्चन नंबर 21 और इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इसको सीधा कर लेते हैं, 3 2 6 हो गया, 6 और 1 7 हो गया, 7/3 हो गया यहाँ पे। और इनटू सेम नंबर दिया हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ भी 7/3 7/3, तो यहाँ कटने वाला नहीं है, ऐसे ऐसे कटेगा नहीं और ये भी नहीं कटेगा। और इसको बराबर कर लेते हैं, यहाँ पे 9 4 जा 36 और 1 37 हो गया, 37/9। अब यहाँ पे इसको कटने वाला नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 7 जो 49 हो गया, 49/3 3 जो 9 हो गया और इक्वल टू ये 37 है, 37 इसके साथ सेम इक्वल नहीं हो रहा है, 37/9 यहाँ 49/9 और यहाँ 37/9, तो इक्वल नहीं, इसका मतलब फॉल्स। ये हो गया इसका आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 22 और इसको यहाँ पे कट रहा है, तो ये कटेगा टू से कटेगा, यहाँ पे 2 3 जा 6 हो गया और 2 10 जा 20 हो गया, इतना बार में गया। अब ये 3 से तो कटने वाला है नहीं, इसका मतलब है कि यहाँ पे आ जाएगा 10 10 और 1 मल्टीप्लाई हुआ, 10 1 जा 10 हो गया और यहाँ पे नीचे में 3 इक्वल टू, क्या ये कट रहा है यहाँ पे, तो 3 से ये कट रहा है और ये भी कट रहा है, 3 2 जा 6 हो गया और 3 7 जा 21, 7 से कट गया ये 7 बार में, तो 7/2 हो जाएगा यहाँ पे, 7/2। तो दोनों इक्वल नहीं हो रहा है, इसका मतलब है फॉल्स, ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। यह है क्वेश्चन नंबर 23। अब यहाँ पे क्या ये कोई कट रहा है, सबसे फर्स्ट पार्ट में देखते हैं इसका, ये तो कट नहीं रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, इधर भी नहीं कट रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो गया 8 और यहाँ पे 5 3 जा 15, ये इतना आ गया। अब इधर देखते हैं तो यहाँ पे बीच में प्लस दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 जा 10 हो गया, 10 प्लस 4 3 जा 12 हो गया और यहाँ पे 15 हो गया, 5 3 जा 15, तो यहाँ पे 15 ले लेते हैं। उसके बाद इसको सेम वही रखते हैं, 8/15 और इसको रखते हैं, कितना हो गया, 22 हो गया, 22/15 इतना हो गया। तो इसका मतलब है कि ये कटने वाला नहीं है, ये तो कटने वाला नहीं है, ये भी कटने वाला नहीं है, तो इसका मतलब फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स, इक्वल नहीं है ये, इसीलिए फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 24। यह क्वेश्चन नंबर 24 और इसमें ऑफ दिया हुआ है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, तो इसको क्या करेंगे, तो 1/2 लिखते हैं इनटू 4। तो ये तो कट रहा है, 2 2 जो 4 कट जा रहा है 2 बार में, इक्वल टू यहाँ पे 1/8 है, 1/8 ये कट गया, तो 2 1 जा 2 मतलब इसका वैल्यू क्या हो गया, 2, और ये तो 1/8 वैल्यू दिया हुआ है, तो दोनों ही इक्वल नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये फॉल्स है। ये हो गया लास्ट क्वेश्चन है 25।
ये है क्वेश्चन 25 और इसमें ऑफ दिया हुआ है, तो इसको इस तरह से लिख लेते हैं 2/3 × 1/3। तो ये तो लग नहीं रहा है कि कोई कटने वाला है, ये इस तरह से नहीं कटेगा, ऐसे से भी नहीं कटने वाला है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसका वैल्यू इधर दिया हुआ है 2/9, तो इसको लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 2 हो जाएगा और 3 × 3 = 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो गया। और इसका वैल्यू 2/9 तो ऑलरेडी है ही, और दोनों ही इक्वल मिल जा रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा ट्रू, ये ट्रू हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे एक्सरसाइज 32 पूरी तरह कंप्लीट हो गया है, और आगे भी इसी तरह का हिसाब दिया हुआ है 33, 34 में, तो भी एक्सरसाइज में जल्दी आप लोगों को सॉल्व करके दे दूंगा। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो से हेल्प मिलता है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल में और भी सब्जेक्ट से कई सारे चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो आते रहते हैं, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तो आइए हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।